हाल ही में भारत में म्यूजिक ऐप स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ था। अब इसके बाद गूगल ने भी अपने वीडियो स्ट्रीमिंग साइट YouTube के दो सर्विसेज को भारत में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इनमें YouTube म्यूजिक, YouTube ओरिजिनल और YouTube प्रीमियम है। ये दोनों ही सर्विसेज पिछले साल जून में अमेरिका समेत दुनिया के 17 देशों में पेश की गई थी। ये YouTube की वो सेवा है जो बाजार में पहले से मौजूद सावन गाना और हाल ही में लॉन्च हुए स्पॉटिफाई को टक्कर देगी। इस ऐप की एक और खास बात यह है कि यूजर्स को न सिर्फ लेटेस्ट MP3 सॉन्ग उपलब्ध करवाएगी बल्कि यूजर की इच्छा होने पर वो इसका वीडियो भी देख सकेगा। इसकी दूसरी खास बात यह कि इसे मिनिमाइज करने पर भी इस पर सॉन्ग चलते रहेंगे, मतलब कि यूजर बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन सकेगा जबकि YouTube वीडियो में ये सुविधा नहीं है। ये ऐप पूरी तरह से पर्सनलाइज है और इसमें कई तरह के ऑप्शंस हैं। मसलन यूजर अपनी पसंद के आर्टिस्ट, जॉनर, टाइप के अलावा कई ऑप्शंस में गाने सुन पाएगा। साथ ही इस ऐप में आप जैसे ही कोई आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये खुद ब खुद आपको उससे मिलते जुलते दूसरे आर्टिस्ट के गाने भी सजेस्ट करती है। ये अब तक का सबसे शानदार फीचर है। ऐप में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गानों का भी शानदार मिक्स मौजूद है। ऐप यूजर्स को गाने डाउनलोड करने की सुविधा भी देती है और साथ ही साथ वो अपनी पसंद का एल्बम भी बना सकता है। इसके अलावा अगर आप ऐप में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल ने इसे भी आसान किया है। हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि अगर आप बिना किसी एड जैसे फीचर्स का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको YouTube प्रीमियम वर्जन खरीदना होगा। इसके लिए यूजर को 99 रुपए देने होंगे। YouTube अपने यूजर्स के लिए प्रीमियम सर्विसेज भी लेकर आया है जिसमें ओरिजिनल कंटेंट है। पहले YouTube रेड के नाम से पहचाने जाने वाली सेवा को अब कंपनी नए रूप में लाई है। इसमें यूजर को बिना किसी एड या प्रमोशन के गाने सुनने का मजा मिलता है। हालांकि फिलहाल इसका 3 महीने का फ्री ट्रायल दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। वैसे इसमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं जो इसका प्रीमियम ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर सके। हालांकि फ्री ट्रायल 3 महीने बाद चार्जेबल होगा और आपके पैसे लगने लगेंगे।